वेलकम बैक यब्रो जॉब्स में आपका स्वागत है। तो कल असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स न्यूज़पेपर पब्लिश हो गया है, तो चलिए वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं एजेंसी कैसी है और वैकेंसीज क्या हैं। तो ज़्यादा फोकस मैं एजेंसीज पे करूँगा, वीडियो को आप पॉज कर लेना, उसके बाद जो है आप वन बाय वन करके आप चेक कर लेना क्या वैकेंसीज है, मैं एजेंसी के बारे में आपको बता दूँगा। चलिए देखते हैं। अबू धाबी के लिए जॉब है, वेनस एंटरप्राइजेस से है ये और अच्छी एजेंसी है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अबू धाबी के लिए जॉब है, बहुत सारी जॉब है यहाँ पे। 21 तारीख को इंटरव्यू होगा और 19 और 20 को भी शॉर्ट लिस्टिंग होगा। सीगल इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुआ है, अच्छी एजेंसी है। अबू धाबी से जॉब है, इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विसेज से हुआ है, अच्छी एजेंसी है ये। बहरीन के लिए जॉब है, रोलेक्स ट्रैवल सर्विसेज से ये पब्लिश हुआ है, 2005 में ये रजिस्टर्ड हुई, अच्छी एजेंसी है। अबू धाबी से ये पब्लिश हुआ है, गैस्को क्लाइंट इंटरव्यू होगा और शट डाउन जॉब है ये, 3 to 9 month का है ये। जेडी पावर कंसल्टेंसी से हुआ है ये, 2017 में एजेंसी रजिस्टर्ड हुई है और इसके बारे में कुछ गलत भी मैंने सुना है, तो आप सतर्क रहें। बहरीन के लिए जॉब है, बहुत सारी है यहाँ पे। NF एंटरप्राइजेस से ये पब्लिश हुआ है, 2004 की एजेंसी है, रजिस्टर्ड एजेंसी और अच्छी एजेंसी है ये। बहरीन के लिए जॉब है, क्लाइंट इंटरव्यू आपको 23 जून को हो जाएगा न्यू मुंबई में और MS एसोसिएशन से है ये, 2006 में रजिस्टर्ड हुई कंपनी है ये, अच्छी एजेंसी है। प्रेरणा कंसल्टेंसी से बहरीन के लिए जॉब पब्लिश हुआ है और काफ़ी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, आप चेक कीजिए और अच्छी एजेंसी है ये। ब्रूनेल शट डाउन जॉब है, ब्रूनेल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। AGP इंटरनेशनल से पब्लिश हुआ है, अच्छी एजेंसी है ये। दुबई के लिए जॉब है और बहुत सारी जॉब है यहाँ पे, चेक कर लीजिए। अल्फनार मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से है ये पब्लिश, कोई खास एजेंसी नहीं है ये। दुबई के लिए जॉब पब्लिश हुआ है, रिपोर्टेड कंपनी है, हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है ये। क्लाइंट इंटरव्यू बैंगलोर में होगा, मानिक ट्रेवल से ये पब्लिश हुआ है, अच्छी एजेंसी है। दुबई के लिए जॉब है ये और वेल्डर प्लम्बर पाइप मेशन ये सारी के लिए है। अकोमोडेशन वगैरह सारा मिलेगा आपको, HR गल्फ ओवरसीज के का है ये और 2020 में ये रजिस्टर्ड कंपनी है, HR गल्फ ओवरसीज, तो कोई खास नहीं है। दुबई के लिए जॉब है, क्लाइंट इंटरव्यू 22 जून को हो जाएगा आपका, न्यू दिल्ली में होगा ये, एटलस प्लेसमेंट से है ये, अच्छी एजेंसी है। दुबई के लिए ही जॉब है, अल इंटरनेशनल से और ये अच्छी एजेंसी है। 18, 20, 21 जून को ये आपको इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई में ही होगा। इलेक्ट्रिशियन, फर्नीचर, प्लम्बर, वेल्डर, क्वालिटी सुपरवाइजर, सारी चीज़ों के लिए जॉब है, आप चेक कीजिए। दुबई के लिए जॉब है, क्लाइंट इंटरव्यू 20 को होगा, होटल मुंबई हाउस में और आर्या इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुई है, 2012 के रजिस्टर्ड कंपनी है, अच्छी एजेंसी है ये। दुबई जॉब फ्री रिक्रूटमेंट है, प्रेरणा कंसल्टेंसी से है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, 2016 में ये रजिस्टर्ड हुई थी कंपनी, अच्छा काम कर रही है, अच्छी एजेंसी है ये। प्रेरणा कंसल्टेंसी से ही ये पब्लिश हुई है, दुबई के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वेल्डर के लिए आप कॉल कर सकते हैं और रिज्यूमे भेज सकते हैं, अच्छी एजेंसी है यहाँ पे। टैक्सी ड्राइवर चाहिए, दुबई और UAE के लिए रिक्वायरमेंट है, कमीशन बेस पे सैलरी आपको मिलेगा। एमेकुलेट HR कंसल्टेंट से ये पब्लिश हुआ है, 2018 में रजिस्टर्ड हुई थी ये कंपनी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है तो आप एक बार चेक कर लेना। दुबई के लिए फीटर के लिए ज़रूरत है, प्रेरणा कंसल्टेंसी से दुबई के लिए ही जॉब है ये, वेल्डर के लिए और प्रेरणा कंसल्टेंसी से पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई के लिए जॉब है, वेल्डर फैब्रिकेटर्स के लिए है, उज्जवल ट्रेड टेस्ट सेंटर से हुआ है ये पब्लिश, नई एजेंसी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास। यूरोप के लिए जॉब है,
बहुत सारी यहाँ पे है। अल्फनार मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिश हुआ है, कोई खास एजेंसी नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। यूरोप के लिए जॉब है। 2002 में ये पैलेस इंटरनेशनल पब्लिश रजिस्टर्ड कंपनी है, काफ़ी पुराना है, तो इसके बारे में जानकारी है नहीं मुझे ज़्यादा। आप एक बार अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर दें इसके बारे में। ओमान, कुवैत, सिंगापुर, 18-20-21 को ये इंटरव्यू हो जाएगा आपको। बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप नई एजेंसी है, 2020 में रजिस्टर्ड हुई है और अल ओवरसीज के नाम से है ये, तो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। यूरोप के लिए जॉब है। बाइक डिलीवरी बॉय के और वेल्डर वगैरह के लिए हैं। 2021 में ये पब्लिश रजिस्टर्ड हुई है, 2021 में रजिस्टर्ड कंपनी है, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। GLM ओवरसीज सर्विसेज। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हेड ऑफिस मुंबई के लिए है और बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, तो रिज्यूमे आप भेज सकते हैं हमदान कंसल्टेंट्स के लिए। और रजिस्टर्ड पुरानी एजेंसी है, आप भरोसा कर सकते हैं इस पे। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी, वीजा प्रोसेसिंग और सोर्सिंग हेड, सोर्सिंग एग्जीक्यूटिव, रिज्यूमे भेज सकते हैं, अच्छी एजेंसी है ये। सीनियर मैनेजर के लिए ज़रूरत है इंटर्नशिप रिपेयर LCC, तो एजेंसी है ये, क्या है इसमें बारे में पूरे डिटेल्स तो है नहीं यहाँ पे, तो अवॉइड कर सकते हैं इसको। KSA के लिए जॉब है, साउंड लाइन से पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है ये। KSA के लिए ही अल नासिर अल खालिवे, नासिर अल खालिवे KSA के लिए जॉब है ये, और मुनावरा एसोसिएशन से पब्लिश हुई है, काफ़ी पुरानी एजेंसी है, भरोसा कर सकते हैं इस पे। आर्किड ट्रैवल सर्विसेज से पब्लिश हुई है ये जॉब, और 2001 में ये रजिस्टर्ड कंपनी है, पुरानी है, आप भरोसा कर सकते हैं इस पे। ब्रांच अकाउंटेंट की ज़रूरत है KSA के लिए, सुपरमार्केट है और एजेंसी अच्छी है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। KSA के लिए जॉब है। अल सलीम इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुई है और काफ़ी अच्छी एजेंसी है। KSA के लिए जॉब है। डाउन कंसल्टेंसी से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है। दीवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है। प्रेरणा कंसल्टेंसी से ये पब्लिश हुई है। KSA के लिए जॉब है, अच्छी एजेंसी है। KSA के लिए जॉब है। आर के ट्रेवल से पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है ये। KSA के लिए जॉब है। मानर ओवरसीज ट्रैवल एंड मैन पावर कंसल्टेंट्स के लिए है ये। 2008 में ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है। रियाद KSA वीज़ा फ्री, AC टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स की ज़रूरत है अल सिफा ओवरसीज से। 2003 में ये रजिस्टर्ड हुई है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। कुवैत के लिए जॉब है। अम्बे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ये पब्लिश हुए, 2005 में ये रजिस्टर्ड एजेंसी हुई थी और अच्छी एजेंसी है ये। जॉब वैकेंसीज कुवैत के लिए है ये। इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विसेज से ये पब्लिश हुई है, मुंबई में एजेंसी है ये, अच्छी एजेंसी है। कुवैत के लिए जॉब है और बहुत सारी जॉब है यहाँ पे, वन बाय वन करके चेक कर लीजिए। एशिया मेन पावर कंसल्टेंसी ये पब्लिश हुआ है, काफ़ी अच्छी एजेंसी है ये। कुवैत के लिए जॉब है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और बहुत सारी जॉब है, वन बाय वन करके चेक कर लीजिए, CV भेज सकते हैं यहाँ पे। और 2016 में ये रजिस्टर्ड हुई थी एजेंसी, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। फ्यूचर मैनेजमेंट है, तो आप एक बार चेक करके दे सकते हैं, उनको भेज सकते हैं अपने रिज्यूमे में। कुवैत के लिए जॉब है। एशिया मैन पावर कंसल्टेंसी पब्लिश हुई है और काफ़ी अच्छी एजेंसी है, चेक कर लीजिए वन बाई वन करके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से CV अपना भेज दीजिए। मिडिल ईस्ट के लिए जॉब है। रिलायंस पावर पीपल कंसल्टेंसी से ये पब्लिश हुई है और 2019 की ये रजिस्टर्ड एजेंसी है, तो ज़्यादा मुझे इस पर कोई पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा नेट से। मिडिल ईस्ट के लिए जॉब है। कुवैत के लिए जॉब है। फ्री रिक्रूटमेंट है। इंटरनेशनल ओवरसीज सर्विसेज से पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है ये। ओमान के लिए जॉब है। क्लाइंट इंटरव्यू 19 को होगा
और काफ़ी अच्छी एजेंसी है ये। ओमान के लिए, मस्कत के लिए जॉब है, 19 तारीख को ही इंटरव्यू होगा। एचआर सर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिश हुई है, न्यू एजेंसी है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक बार ध्यान से कीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने से पहले उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ओमान के लिए जॉब है गौरी ट्रेवल से और 2018 में ये रजिस्टर्ड हुई एजेंसी है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो आप ध्यान से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओमान मस्कत के लिए जॉब है, श्रीनाथ एसोसिएशन से पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है, पुरानी है ये एजेंसी। पोलैंड के लिए जॉब है, अल वकील इंटरनेशनल से पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है ये। कतर के लिए जॉब है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, एशिया मेन पावर से पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है, और वन बाय वन करके चेक कर लीजिए सारी वैकेंसीज को। दोहा कतर के लिए जॉब पब्लिश हुई है और 2005 में रजिस्टर्ड हुई थी एजेंसी, बेटा कंसल्टेंसी, अच्छी एजेंसी है ये। कतर के लिए जॉब है, अल अफजल मैन पावर कंसल्टेंसी से पब्लिश हुई है ये, 2008 में रजिस्टर्ड ये एजेंसी है, और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, आप तो अगर कोई जानते हैं पुरानी एजेंसी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कतर के लिए जॉब है, जेम मेहता कंपनी से ये पब्लिश हुई है और अच्छी एजेंसी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वन बाई वन करके चेक कर लीजिए जॉब्स। बिस्मिल्ला इंटरप्राइजेस से कतर के लिए जॉब पब्लिश हुई है, फ्री वीज़ा है, सीवी सिलेक्शन है, और ये 2011 में रजिस्टर्ड हुई थी एजेंसी, अच्छी एजेंसी है ये। कतर के लिए जॉब है, एशिया मेन पावर कंसल्टेंसी से पब्लिश हुए, बहुत सारी जॉब हैं तो वन बाय वन करके आप चेक कर सकते हैं। कतर के लिए जॉब है, एम इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है, आप भरोसा कर सकते हैं इस पर। कतर के लिए जॉब है, 23 जून को आपको इंटरव्यू हो जाएगा, और विजय इंटरप्राइजेस से अच्छी एजेंसी है, मुंबई में है। कतर के लिए जॉब है, मैनलाइटिक ग्रुप से पब्लिश हुई है, कोई खास एजेंसी है नहीं, ये न्यू एजेंसी है, तो आप एक बार अगर अप्लाई करते हैं तो ध्यान से अप्लाई करेंगे। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, इंटरव्यू 18 तारीख को होगा ये, रेस्टोरेंट मैनेजर टीम के लिए ज़रूरत है, अजान इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुई है और काफ़ी पुरानी एजेंसी है, अच्छी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, बॉम्बे ट्रैवल सर्विसेज से अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, अराफा ट्रैवल सर्विसेज से अच्छी एजेंसी है। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, 21 जून को विशाखापट्टनम और 22 जून को चेन्नई और 27 जून को मुंबई में इंटरव्यू होगा, एम की वाले ग्लोबल से पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है और बेटा कंसल्टेंसी एचआर सर्विसेज से ये पब्लिश हुई, अच्छी एजेंसी है। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, अल यूसुफ इंटरप्राइजेस से ये पब्लिश हुई है, न्यू एजेंसी है, इसी साल रजिस्टर्ड हुआ है ये, तो ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं मुझे। एशिया मैन पावर कंसल्टेंसी से ये पब्लिश हुआ है, अच्छी एजेंसी है, सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, बहुत सारी जॉब है, वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। सऊदी अरबिया के लिए ही ये जॉब है, साउथ इंडिया ट्रैवल एजेंसी से ये पब्लिश हुआ है, बहुत पुरानी एजेंसी है, अच्छी है ये। एल ए इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विसेज से पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है ये, टेक्नीशियन के लिए जॉब है, सऊदी अरबिया के लिए पब्लिश हुई है, तो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं, न्यू एजेंसी है। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, स्टर्लिंग टेक्निकल स्टाफिंग से ये पब्लिश हुई है और अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, लॉन्ग टर्म जॉब है ये, और बेटा कंसल्टेंसी से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है। फ्री रिक्रूटमेंट है, सऊदी अरबिया के लिए ही है ये, बेटा कंसल्टेंसी से अच्छी एजेंसी है। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, डिज़ाइन इंजीनियर और हाउसकीपर मैनेजमेंट, ये सब सारी के लिए जॉब है, रियाज ओवरसीज से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है रियाज ओवरसीज, चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, भरोसा भी कर सकते हैं इन पे। सऊदी अरबिया जॉब फाउंटेन इंटरनेशनल से पब्लिश हुई है, बहुत सारी जॉब है, यूरोप के लिए भी है तो, और ये एजेंसी 2018 में रजिस्टर्ड हुई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं एजेंसी के बारे में, तो आप एक बार चेक कर लें। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, ट्रांस एशिया इंटीग्रेट सर्विसेज से पब्लिश हुई है ये, और अच्छी एजेंसी है ये।
सऊदी अरबिया से के लिए जॉब है ये, स्टर्लिंग टेक्निशियन स्टाफिंग से पब्लिश हुआ है, अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है रियाज ओवरसीज से, अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है इंटरनेशनल ट्रेड लिंक से, अच्छी एजेंसी है ये। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है इंटरनेशनल सिटी लिंक से पब्लिश हुई है ये, पुरानी एजेंसी है, अच्छी एजेंसी है। सऊदी अरबिया के लिए जॉब पब्लिश हुई है अल हुदा एचआर कंसल्टेंसी से। सऊदी अरबिया के लिए जॉब है, बहुत सारी जॉब है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। सुगम ट्रैवल कॉरपोरेशन से पब्लिश हुई है ये, 2021 में रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं मेरे पास, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं अपनी इंट से। सऊदी अरबिया के लिए ही जॉब है सऊदी अरामको के लिए, और न्यू अल्फा इंटरनेशनल से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है ये। के लिए जॉब है अल नूर मैनेजमेंट से ये पब्लिश हुई है, अच्छी एजेंसी है। सिंगापुर के लिए जॉब है ये, और बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। किरथी टूर ट्रैवल्स से ये पब्लिश हुई है, न्यू एजेंसी है ये, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो आप चेक करके ही आप अपने अप्लाई करना। और सिंगापुर कुवैत मेल्टा के लिए जॉब है अल इंटरनेशनल से है ये, अच्छी एजेंसी है, भरोसा कर सकते हैं इस पर। कतर के लिए जॉब है यूएई के लिए जॉब है MS Acme Enterprises से, अच्छी एजेंसी है ये। UAE के लिए जॉब है शट डाउन जॉब है ये, ब्राइट इंटरनेशनल से, अच्छी एजेंसी है ये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा आपको, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।